नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। सहरसा जिला बिहार का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां तालाब में नीचे मछली का और ऊपर सब्जी का उत्पादन शुरू किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के सहरसा जिला स्थित गहरा प्रखंड के बनगांव और नौहट्टा के रमोती गांव में 200 लीटर वाले 8-8 ड्रम लगाकर ऊपर नाव नुमा बांस का मचान तैयार करके सब्जी उपजाने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि धूप और पानी में बर्बाद नहीं होने वाली ग्रो बैग में वर्मी कम्पोस्ट, नारियल की भूसी, लकड़ी का बुरादा और सॉयल जैसी सामग्रियों का उपयोग करके डस्ट तैयार कर सब्जी उत्पादन की व्यवस्था की गई है, जबकि मिट्टी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं डाली गई है और न ही रासायनिक खाद का उपयोग किया गया है। दोनों जगहों पर पालक, लाल साग, करेला, बैगन और धनिया पत्ता के पौधे उपजाए गए हैं। जिला कृषि परामर्शी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने कहा कि बनगांव में 8 और रमोती में 11 फरवरी को ऑर्गेनिक सब्जियों की बुआई की गई। अभी स्थिति यह है कि एक पौधा 10 से 12 सेंटीमीटर का हो गया है। उन्होंने बताया कि इस तरह से सब्जी उत्पादन की वैकल्पिक व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि बाढ़ के दौरान भी सब्जियों की उपज होती रहे, किसानों को खाने के लिए सब्जी मिलती रहे, शेष सब्जी को चयनित किसान बाजार में बेचकर आय का साधन भी बना सके। साउथ एशियन फोरम फॉर एनवायरमेंट के निदेशक अमृता चटर्जी और चिरंजीत चटर्जी ने कहा कि कृषि विभाग के द्वारा 25-25 की संख्या में चयनित किसानों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत तालाब में मुफ्त में सब्जी और मछली उत्पादन के लिए व्यवस्था की गई है। यह परियोजना किसानों को हाइड्रोपोनिक खेती और मत्स्य पालन में आपदा और जलवायु परिवर्तन के दौरान एक अनुकूल कदम के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करेगी, साथ ही खाद्य सुरक्षा, स्थायी आजीविका और वित्तीय सशक्तिकरण भी प्रदान करेगी। मिली जानकारी के अनुसार हाइड्रोपोनिक खेती के तहत की गई सब्जी की खेती को सौर ऊर्जा के तहत पर्याप्त जल मिल रही है। वहीं सिंचाई के लिए सोलर चलित यंत्र का उपयोग भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऑटोमेटिक सिंचाई व्यवस्था के कारण सब्जी के पौधे में पानी डालने के लिए किसानों को अधिक मशक्कत भी नहीं करनी पड़ रही है। निदेशक ने कहा कि पानी के कम उपयोग के लिए सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग किया जाता है। कृषि सलाहकार चंदन कुमार ने कहा कि प्रतिदिन सब्जी फसल की निगरानी रखी जाती है, कहीं भी कीड़े लगने की अगर जानकारी मिलती है तो तुरंत उसे दूर किया जाता है। वहीं जिला स्तर से जिला कृषि पदाधिकारी और जिला कृषि परामर्शी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। गांव के एक किसान ने कहा कि वैकल्पिक सब्जी खेती की यह व्यवस्था बाढ़ प्रभावित कोसी क्षेत्र इलाके के लिए वरदान साबित होगी। बताया जा रहा है कि ड्रम लगाने और बांस का नाव जैसा मचान तैयार करने में साउथ एशियन फोरम फॉर एनवायरमेंट को 20,000 से अधिक राशि का खर्च पड़ता है। इसके अलावा सामग्रियों पर खर्च अलग से पड़ता है। निदेशक ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल कृषि विभाग से चयनित किसानों के लिए व्यवस्था मुफ्त में है। किसानों ने पानी भरे तालाब के बीच शुरू हुई इस खेती को नाव पर खेती का नाम दे दिया है। जिले में यह व्यवस्था नाव पर खेती के नाम से प्रचलित हो गया है। बताते चले कि भविष्य में किसानों की सहकारी समितियों के गठन की भी योजना है। निदेशक ने आगे कहा कि भविष्य में प्रशिक्षित किसान स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सहकारी समितियों का गठन करेंगे जो कोविड या बाढ़ जैसी आपदा की घड़ी में सहायता प्रदान कर सकेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।